वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज़ टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है। आप लोग की जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन क्या कर रहा है इस वक्त राइट नाउ। ठीक है, कलेक्टिव थिंक रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसको वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक पिन कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके बारे में। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, या तो कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन है और बहुत ज्यादा एक पर्सन बहुत ज्यादा एक पतक के एक इस तरीके का पर्सन है जिसे के ऑपोजिट आप लोग हैं एक दूसरे से। एक पर्सन काफी रिलीजियस, काफी एक ऑनेस्ट, और एक पर्सन ऐसा है कि बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड। ठीक है, बहुत ज्यादा एक स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट प्ले करने वाला इंसान। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन या तो इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर कल्चरल है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एजुकेशन वाइज आपसे ज्यादा हो सकता है, या इस पर्सन का यहाँ पर आपके पार्टनर हैं ये। ठीक है, ये पर्सन बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाहता है। ये काफी किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है। ठीक है, इसके फैमिली कास्ट कल्चर जो भी है, जहाँ से इसकी अपब्रिंगिंग है, एक बहुत स्ट्रांग रूट्स हैं। ये आसानी से उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, या तो आप लोग के बीच ये बहुत ज़्यादा सोचता है। यहाँ पे किसी की मदर फिगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। एक घर का इन्वॉल्व होना, घर का एग्री होना इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन सोचता बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर इस रिश्ते में। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज, एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आप हैं। ठीक है, आप काफ़ी कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन गोस्ट अपनी फैमिली, अपने कल्चर या अपनी मतलब के एक स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो गोस्टिंग होती है इस पर्सन की तरफ से, आपको रिजेक्शन फील होती है। यहाँ पर फैमिली इशू है, ठीक है, कल्चर इशू है। यहाँ पर आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं। ठीक है, आप लोग के बीच एक ह्यूज डिफरेंस है, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है, टेम्परेंस। यहाँ पर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मुश्किल है इस कनेक्शन में बैलेंस करना, इस रिश्ते को एक बैलेंस एनर्जी पे जाना। ये पर्सन एक साइलेंट एनर्जी पे, ये आपको खुलकर प्रॉब्लम बताता नहीं है, सृष्टि में प्रॉब्लम क्या है। आपके पर्सन का और आप लोग का कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंस होना, इसकी मदर का इशू है। शायद मदर यहाँ पर, आप लोग अलग लैंग्वेज अलग कल्चर के हैं, ये पर्सन इसकी मदर यहाँ पर एग्री नहीं हो रही, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर्सन गोस्ट और रिजेक्शन आपको अपनी फैमिली की वजह से देता है। ठीक है, यहाँ पर एक गोस्टिंग या तो कंफ्यूजन, आप लोग के बीच जो क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस जो क्रिएट हुए हैं, आपको जैसे कि आप किसी से रीडिंग करवा रहे हैं और आपको पता चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो इसकी लाइफ, इसकी फैमिली बहुत सारे ऑप्शंस इसको मैरिज के लिए दिखा रही है। तो इसका पीछे रीजन ये है, आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस है ना, वो रीजन है। ठीक है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बनने का मैरिज के लिए, क्योंकि आप लोग का कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है। आप लोग के बीच किसी ना किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। आपके पार्टनर की जो मदर हो सकती है, मदर फिगर यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे एक होता है अलाउ नहीं करती। ठीक है, अलाउ नहीं करनी अपनी लैंग्वेज के बाहर मैरिज करने के लिए, एज डिफरेंस की वजह से या कास्ट कल्चर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। पर्सन इसकी वजह से आपको बहुत टाइम कन्फ्यूज भी लगा होगा, आपको गोस्ट भी करता होगा, बात करता होगा, फिर चला जाता होगा, आपकी लाइफ से रिजेक्टेड भी फील कराता होगा। आप चाहते हैं ये साइकिल क्लोज हो जाए और इस रिश्ते में एक बैलेंस आ जाए। जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसके साथ ये सब सिचुएशन होगी, आप चाहते हैं ये सिलसिला क्लोज हो जाए। ठीक है, जो भी चल रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन इसका कास्ट कल्चर है, इसकी फैमिली है, एक्शन ना लेने की वजह और खामोश बैठे रहने की वजह और आपसे बात करने की वजह ये है कि आप बहुत मतलब के इमोशनली, आप बहुत इमोशनल पर्सन है, आप बहुत ज्यादा इसके लिए करते हैं या बहुत ज्यादा इसके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। इस पर्सन को आपसे मेंटल पीस और हीलिंग मिलती है। जब जब इसकी लाइफ में आप कनेक्ट होते हैं, एक नया स्पार्क और एक मतलब कि जैसे कि ऑपोजिट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करना या एक अट्रैक्शन में आ जाना या उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि एक अट्रैक्शन का बाइस बन जाते हैं, वो वाले कनेक्शन जो और मतलब के जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आप इस साइकिल का एंड होने का वेट कर रहे हैं और हीलिंग का वेट कर रहे हैं और बैलेंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं प्रॉब्लम है फैमिली की वजह से, या फैमिली की, इस पर्सन की मदर की वजह से,
या तो आप इस पर्सन की गोस्टिंग का यहाँ पर एंड होने का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको गोस्ट करता है, रिजेक्ट करता है, बार बार कंफ्यूज करता है, आप नहीं जानते आपसे चाहता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आप एक नेगेटिव साइकिल क्लोज होने का वेट कर रहे हैं और एक बैलेंस आने का अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पार्टनर और आपके बीच एक टाउरमेंट आया है, चीजें बिखर चुकी हैं, चीजें खत्म हुई भी हैं, ठीक है, ये आपको काफी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आप किसी आप मतलब कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी है, बहुत ज्यादा टावर हिट्स देखे हैं, मतलब कि आप फिर दोबारा अपने आप को आप बैलेंस कर लेते हैं, डेथ एंड रीबर्थ आपको लेकर किसी तरीके की अवेकनिंग भी आपके पार्टनर को आ रही है, बहुत टाइम से ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली डील करा है आपने इस ब्रेकअप को, इस एंडिंग को, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ आपने बहुत स्ट्रांगली डील करा है, ठीक है, उस पूरी सिचुएशन को, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच हुआ है रिसेंट पास्ट में, ठीक है, कुछ मंथ पहले हुआ है, 8 मंथ पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, आप लोग के बीच, लेकिन कुछ ना कुछ टावर हिट किया है, या अगस्त के महीने में ही कुछ ना कुछ आप लोग के बीच एंड हुआ था, खत्म हुआ था, ठीक है, लेकिन एक अवेकनिंग स्टेज है, ये पर्सन आपको बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए और क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए बहुत कंफ्यूज है, साइलेंट है, आइसोलेटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता क्या होगा आगे, ठीक है, ये नहीं जानता, ये आपको लेकर यही सोचता है कि क्या करे आपको लेकर, ठीक है, इस रिश्ते में क्या करे, आपको लेकर समझ भी आती है इस पर्सन को, आप क्या चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या जेन्युइन है या नहीं, आपको लेकर एक मतलब कि माइंड भी इस पर्सन का अवेयर है, एक जजमेंटल माइंड है, इस पर्सन ने शायद आपको पास में जज किया था, ठीक है, आप इस पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, पीस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये पर्सन जानता है आप चाहते हैं बैलेंस ट्रांसपेरेंसी इस कनेक्शन में, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आप बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये पर्सन सच होल्ड करके रखता है और आपको गोस्ट करता रहता है, ठीक है, आपको रीजन नहीं बताता, ये आपको ये सब कुछ क्यों नहीं दे पा रहा, आपको स्टॉक जरूर करता है, आप में इंटरेस्ट है इस पर्सन का, स्टॉकिंग एनर्जी रहती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ स्टॉक करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता है, आप भी स्टॉक करते होंगे इस इंसान को, गोस्ट करता ज्यादातर, होल्ड बैक करता है, प्रॉब्लम को क्लियर कट आपको बताता नहीं है, क्लैरिटी नहीं देता, प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, साइलेंट रहता है, साइलेंट रहना ज्यादा पसंद करता है, मतलब कि आप काफी फेयरफुल हैं, एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है बहुत सी चीजें हिडन है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन की तरफ से चीजें हिडन है, इस पर्सन को अब ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आप यहाँ पर एक ऐसा ना हो कि आप इसको जज करें, ठीक है, इसने या तो आपसे किसी तरीके की हेल्प ली है, किसी तरीके की आपने इसको इमोशनली फाइनेंशियली हेल्प करी है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा लगता है हेल्प लेने के लिए ये बात करता है, लेकिन वैसे एक्शन लेने के लिए, आगे का सोचने के लिए, बैलेंस देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी देने के लिए ये बात क्यों नहीं करता, ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती, ये रिश्ता एंड हुआ हुआ है किसी तरीके के, एक एंडिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंडिंग आई हुई है इस रिश्ते में, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, शायद बहुत टाइम से नहीं है, आपको कहीं ना कहीं इंसान सेल्फिश लगने लगा है, बहुत ज्यादा एक सेल्फ, जैसे कि एक सेल्फिश इंसान है, अपनी सेल्फिश नेचर के थ्रू ही आपकी तरफ आता है, बाकी चला जाता है, सोचता नहीं है यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर टावर आया हुआ क्यों है आपके रिश्ते में, लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे, यहाँ पर टावर है क्यों किया हुआ है आपके रिश्ते में, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टावर, द सन, किसी तरीके की क्लैरिटी आप लोग के सामने आई है लास्ट में, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह, कोई टॉक्सिसिटी का रीजन या इसका डिस्टेंस बनाने का रीजन कोई आपके सामने आया है, टावर टावर आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आया, लास्ट टावर ने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी है इस पर्सन के बारे में, ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपने थोड़ा सा इससे अपना डिस्टेंस बढ़ाया है, अपने अपना मतलब कि आपने यहाँ पर एक पेज की एनर्जी है, आप हमेशा ही एक्शन लेते रहे हैं, आप हमेशा ही एफर्ट डालते रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है किसी और डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं इतना कुछ तो समझ में आया है, ठीक है, इतनी कुछ आप जजमेंटल भी माइंड, आपने मतलब कि किस तरीके के इंसान को आपने पसंद कर लिया, हाई प्रिसेस की एनर्जी है, साइलेंट रहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक्शन लेने की बात आती है होल्ड कर लेता है, साइलेंट पे चले जाता है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, कुछ भी बड़े से बड़ा हो जाए लेकिन ये पर्सन एक जैसे कि लीड नहीं लेता, साइलेंट एनर्जी को ब्रेक नहीं करता, इस रिश्ते को ये पर्सन समझता नहीं है, इस पर्सन मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता अपनी मिस्टेक को आपके सामने, और एक्सेप्ट कर भी ले तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इमोशनल लॉस वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, साइलेंट जरूर नजर आ रहे हैं, एम्परर की एनर्जी काफी इगोस्टिक पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेट करता है अपनी साइलेंट एनर्जी से आपको, लेकिन आप भी माहिर हैं, क्लैरिटी चाहते हैं आप इस पर्सन से, ठीक है, क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं आप, नहीं आप इसका ईगो अब देखना ही नहीं चाहते, आप इसके ईगो से बिल्कुल भी अब अट्रैक्ट नहीं होते, या आपको कोई ईगो इसका किसी भी तरीके का
आपको ईगो इसका मैसराइज नहीं करता, आपको क्लैरिटी चाहिए मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है? आप चाहते हैं क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिले, आप एक मतलब कि ईगो बैटल, एक बैलेंस, एक सेम पेज पे आके आप इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं, ठीक है? आपने बहुत साइलेंटली, आपने बहुत ज्यादा खामोशी से, आप बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट साइड अपनी आपने हमेशा शो करी है, आपने लाइट एनर्जी रखी है, या आपने बहुत तरीके से रिश्ते को हैंडल करने की बहुत सारी कोशिश कर ली है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि अब आपको अपना ये अपना अपना सॉफ्ट साइड जब तक आप दिखाते रहेंगे इस पर्सन को, ये पर्सन अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो ये क्लियर कट आपको बता दे, भाई फैमिली नहीं मान रही, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप क्लोजर चाहते हैं। मेनली यहाँ पर आपको क्लोजर नहीं दिया जा रहा, ठीक है? आपको वजह समझ में नहीं आ रही, बात करता है, हेल्प मांगता है, आप इसके मिल लो, कनेक्ट कर लो, हैंग आउट कर लो, लेकिन इस पर्सन से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है? मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर, और अपना ईगो दिखाता है बिना वजह का ईगो, या तो बिना वजह का साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना, अपनी मर्जी से बात करना, अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, आप नहीं चाहते ये। आप क्लियरिटी चाहते हैं, अगर डिस्टेंस रखना है तो डिस्टेंस रखो, अगर बात करनी है तो बात करो, मतलब कि चीजों को क्लियर करो, हम दोनों के बीच क्या है, हम दोनों क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है? आप इस तरीके का माइंडसेट वाला इंसान है, इसका आप में इंटरेस्ट तो है, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है? इस इंसान का आप में इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये फ्यूचर को सोचकर पीछे हो जाता है, क्योंकि ये जानता है आप एक मैरिज और कमिटमेंट वाले इंसान है, और आप वही मांगेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है? स्टैग्नेंट एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की, करंट एनर्जी स्टैग्नेंट है, आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे एक हीलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? एक हीलिंग एनर्जी पे आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिश्ते के लिए आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन, आप स्टेबल पार्टनर की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है? कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड, डिस्टर्ब एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस, होल्ड बैक नहीं चाहिए आपको, ठीक है? आप एक तो आप खुद चीजें हाइड नहीं करते, आप चाहते भी नहीं कोई चीजें आपसे हाइड करे। आपको इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, लेकिन आपको इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन लोगों के थ्रू मिलती है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से यहाँ पे रिजेक्शन है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है फैमिली नहीं एग्री करेगी इस कनेक्शन को, ठीक है? यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके पर्सन की, मैरिज और कमिटमेंट की बात है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन से आप अक्सर एक स्टेबिलिटी का कहते थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है फैमिली एग्री नहीं करेगी, फैमिली की वजह से ये पर्सन आपको कोई क्लोजर और स्टेबिलिटी नहीं देता, फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इस पर्सन की, ठीक है? इसको अलाउ नहीं करेगी मैरिज करना, ये बहुत ज्यादा सोचता है, डीप थिंकिंग में रहता है हमेशा कि कैसे एक्शन ले आपकी तरफ, कैसे आपको एक मतलब के कैसे ये इस चीज को आपको बताए कि ये इस टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है, नहीं जानता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये चाहता है कि जैसे कि आप काम करते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं, ये पर्सन भी करे, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, फैमिली का नहीं पता कि फैमिली एग्री करेगी नहीं करेगी इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि बड़े बहन भाइयों की शादी नहीं हो रही, ठीक है? उनकी 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 शादी में एक रुकावट है, क्योंकि शायद फैमिली अपनी फैमिली कल्चर वगैरह से देखना चाह रही है, ठीक है? ये आपको गोस्ट कर रहा है राइट नाउ, रिजेक्टेड फील करवा रहा है आपको, एंडिंग हो चुकी है, आपको कुछ क्लोजर नहीं दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं बता रहा है कि रिश्ते में हो क्या रहा है, ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, ये पर्सन साइलेंट क्यों हुआ है, ऐसा क्या प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आके खड़ा हो गया है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। अच्छी देखते हैं इशू क्या है इस पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में किस तरीके का इशू है इस रिश्ते को बैलेंस और स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है? ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन मैरिज की बात ना करो, ठीक है? इससे क्लैरिटी आपको मतलब के होल ट्रुथ पता भी नहीं, आप जितने क्लियर कट रहते हैं ये उतना साइलेंट रहता है, और ये इन एंड आउट आपको समझ नहीं आता, ठीक है? यहाँ पर है एंडिंग्स ब्रिंग अ न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज एंड अ लिबरेशन एंड अ ट्रांजिशन, ठीक है? यहाँ पे चीजें बदल सकती हैं, चीजों की चेंजिंग आ सकती है, एंडिंग्स बिगनिंग्स लेकर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई, ठीक है? बी लाइट हार्टेड एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स एंड कमिंग टू लाइट, एडॉप्ट चेंज, हील, ठीक है? हीलिंग की नीड है भाई, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, ठीक है? यहाँ पर टिकटॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, नीड टाइम टू टेक टाइम, ठीक है? इट्स टाइम टू साइकिल, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस, ठीक है? यहाँ पे टाइम चल रहा है, टिकटॉक है, डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? यहाँ पर एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट, एंड आपको ये नार्सिसिस्ट रखता है, आपको लगता है बहुत ज्यादा कार्मिक पर्सन है, ठीक है? आप अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, आपने आपको लगता है अगर यहाँ पर कुछ स्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा, एडिक्शन है, आपको लगता है आपको डिपेंडेंट है इस पर्सन के ऊपर इमोशनली, लेकिन ये पर्सन आपकी वैल्यू क्या है आप ये जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में, आप इसलिए बार बार साइलेंट हो जाते हैं, या तो आप इसकी तरफ से एफर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, पैशन, कंट्रोलिंग नेचर इस पर्सन का हैज
रेजिस्टेंस, ये रेजिस्ट, एक रेजिस्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता है आपको, इस तरीके से आप इस रिश्ते में चल नहीं पा रहे, ठीक है। सडन चेंजिंग शॉक, न्यू न्यू सरप्राइजेस एंड अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। भाई यहाँ पर सडनली आप लोग को रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी या कोई कोई चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं और इस पर्सन की लाइफ में इश्यूज ही क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। आप चाहते हैं सेंडिंग से आगे बढ़ा जाए, डिसीजन मेकिंग की जाए। ये जो एंडिंग आई है ना, आपके पर्सन सिर्फ सेंडिंग को ही लेकर बैठे हुए, लेकिन रिस्क टेकिंग का नहीं सोच रहे, आपके पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहे, फैमिली मानेगी नहीं, सिर्फ इस चीज को सोचकर आपके पर्सन कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे इस रिश्ते में, ठीक है। कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे, आप वेट कर रहे हैं कि कार्मिक साइकिल आपकी खत्म हो और एक रिश्ते में बैलेंस आए, क्योंकि आपके पर्सन और आपका शायद रिश्ता उस तरीके से नहीं टूटता। आप लोग अगर सेपरेटेड होते रहते हैं, फिर भी बातचीत चलती रहती है, फिर बातचीत हो जाती है, फिर सेपरेटेड हो जाते हैं, फिर बातचीत चल जाती है। आप समझ नहीं पा रही सिचुएशन जहाँ का आ रही है, चल क्या रहा इस पूरी सिचुएशन में। आपको टॉक्सिसिटी भी फील होती है, आपको लगता है ये टॉक्सिक इंसान से आप डील कर रहे हैं, आपने किसी टॉक्सिक इंसान को जगह दे दी है अपनी जिंदगी में, आप कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में हो क्या रहा है, किस चीज की स्ट्रगल है ये। आपका रिश्ता किसी डार्कनेस से गुजर रहा है, एडिक्शंस रही हैं यहाँ पर आपके पर्सन को, रही हैं या तो आपको रही हैं इस पर्सन के साथ, नेगेटिविटी या नेगेटिव एडिक्शंस थी, ठीक है। यहाँ पर आपने जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आपने जरूरत से ज्यादा इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दे दी, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ओके। प्रॉब्लम क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। हार्मनी योर एनर्जी, सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी में हार्मनी लेकर आए, ठीक है। आपको जरूरत नहीं इस पर्सन के सोचने का, इनर जर्नी, यहाँ पर कोई इनर जर्नी पे वर्क करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस इसलिए आया है, मैस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा, एक मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है। अबंडेंस, ये पर्सन शायद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक माइंड सेट है इस पर्सन का, स्ट्रगल, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर राइट नाउ, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी फाइनेंशियली अबंडेंस को लेकर, फाइनेंशियली बैलेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल में है। आपको यहाँ पर हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए, डेथ एंड रीबर्थ, भाई यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, जैसा जो चल रहा है वैसा चल नहीं सकता। रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल से कनेक्ट हो, बल्कि इस पर्सन से कनेक्ट होने के बजाय सोल से कनेक्ट हो, सेक्रेट स्पेस, ठीक है। एक अपने इंटरनल अपनी स्पार्क पे काम करें, लेटिंग गो, फिलहाल के लिए लेट गो करें आप इस रिश्ते को, फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को बैलेंस करें, रीट्रीट, अपने सोल के साथ अपने साथ रीट्रीट हो और एक बैलेंस की तरफ जाएं, फॉरगिवनेस, माफ करें, ठीक है। सिचुएशन में अभी फिलहाल के लिए चेंज आएगा, लेकिन किसी तरीके का चेंज आपको अपनी लाइफ में करने की जरूरत है, क्योंकि आप काफी एडिक्टेड हो चुके हैं, काफी आप डिप्रेस रहते हैं, बात नहीं होती तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, को डिपेंडेंसी इशू रहता है, बहुत पैशन, बहुत कंट्रोलिंग ये पर्सन भी रहा है, बहुत रेजिस्ट भी करता है। आप बहुत ज्यादा एक आपकी एनर्जी बहुत लो लो वाइब्रेशन में जाती जा रही है, आप एक लो, मतलब क्या, बहुत होपफुल हो कि मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, आप लोग का रिश्ता इतना स्ट्रांग है, फिर आपको एक टाइम पता चलता है कि पता नहीं मैरिज में एक फैमिली नहीं मानेगी, या तो फैमिली एग्री नहीं करेगी, फैमिली एक इशू बनी हुई है, इस पर्सन के फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है, जॉब में इशू चल रहा है, काम में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि आपकी एनर्जी काफी, आप इस इंसान के आदी हो चुके हैं, ठीक है। जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आप इसके आदी हैं, आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपका एक ब्रोकन हार्ट, आपको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। आपको जितना आप इतना जितना डिपेंड है आप इसके ऊपर, अगर आप ऐसे ही रहे, ये शादी इम्पॉसिबल है, आप जब तक भागते रहेंगे, कोई आपको एक लिमिट नहीं बताएंगे इस पर्सन को अपनी, कि उस वक्त तक ये रिश्ता नहीं बदल सकता, ठीक है। मिले किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी एक्स वाई जी तरीके के रिलेशनशिप नहीं बनाए इसके साथ, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, एक अच्छे लेवल पर रिलेशनशिप बनाएं, आपको स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप में मत जाएं इसके साथ, ठीक है। क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड, इसको समझ में नहीं आ रहा इसकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, पहले क्यों नहीं पता था, ये वो कनेक्शन हो सकता है, इंसान ने आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करा है, लेकिन अब एक मैरिज के लिए फैमिली नहीं मान रही, फैमिली इशू बना रही है, अब क्या होगा, इस पर्सन को आपकी भी आदी है, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, ठीक है, मतलब के, और आपको कुछ देना भी नहीं चाहता, स्टेबल और ग्राउंडेड, यहाँ पे इशू ये क्रिएट हो रहा है, आप लोग के बीच एक ईगो बैटल छिड़ी हुई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बहुत ईगो बैटल में है, आप समझ नहीं पा रहे पर्सन आपके लिए डिसीजन क्यों नहीं ले रहा, जब ये छोड़ना नहीं चाहता तो डिसीजन क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ पे लवर की एनर्जी है, आप लोग अपने एज अ लवर इस पर्सन के साथ लाइफ अपनी देखी, या तो आपने टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे सिचुएशन हील क्यों नहीं हो सकती, प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। या तो एक कावर्ड पर्सन है बहुत ज्यादा, या तो इसने सिर्फ आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए सब कुछ किया, ठीक है। आप जानना चाहते हैं क्या, लेकिन आपको
इसकी वजह से आपको अपने आप में बहुत से चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली भी अपनी लाइफ में किसी तरीके की, और ये इसके लिए मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको लैविश लाइफ, अच्छी लाइफ चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।